Okay, जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सो लेक्चर नंबर 5 में वी वर डिस्कसिंग पावर क्लॉक एंड इंटरप्ट. पावर क्लॉक और सिस्टम रीसेट वगैरह हमने सारा डिस्कस कर दिया था. इंटरप्ट्स जो कि मैंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये हमारा लास्ट टाइम डिस्कस नहीं हो सका था. सो एंड सिंस इट इज रमजान ऑल्सो, तो मैं जो आई वॉन्टेड टू गो एट अ माइल्डर पेस, ताकि जो है ना वो चीजें समझ भी आए, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि सब लोग इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो भी एक मुझे जो है ना वो केटर फॉर करना पड़ेगा. सर मैं टर्न तक हम साथ में चलो. हाँ हाँ, ये भी आप लोग डिस्कस करें यूनिवर्सिटी से कि ईद से पहले करने हैं या ईद के बाद करने हैं. नहीं सर, जो आए थे उसमें था, लेकिन अगर आप लोग जो है ना रिक्वेस्ट करें कि जी हमें ईद के बाद ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो भी हो जाएंगे. अच्छा, ताकि ईद से कूद से निकले. ठीक है, ये तो इवन देन दैट इज फाइन. फॉर एग्जाम्पल के जी आप घर में बैठे हैं, मूवी देखे हैं और बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना टेंशन हो, तो आपने कोई जो है ना वो ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर डिलीवर होना है, आपको पता है कि अभी डिलीवर होना है, और आपने लेट्स से कि यू हैव ऑर्डर्ड अ न्यू आईफोन, तो नेचुरली एक नई चीज को जो है ना वो इमीडिएटली देखने की एक जो है ना वो ख्वाहिश होती है. सो यू आर कॉन्स्टेंटली जो है ना वो सीइंग कि ना अनफॉर्चुनेटली आपके घर की डोर बेल खराब है, तो अब क्या होगा कि आप हर 5 मिनट बाद उठेंगे या हर 2 मिनट बाद उठेंगे, जाके देखेंगे कि यार कहीं पे कोई डिलीवरी वाला आ तो नहीं गया, ऐसा ना हो कि वो बेल बजाता रहे और मुझे खबर ना हो. अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि जी सेम सिचुएशन है, आपको डिलीवर जो है ना वो होना है, बट आपको जो है ना वो जो डिलीवरी बॉय है उसने कॉल करके एक तो बता दिया है कि मैं इतने देर के बाद डिलीवर करूंगा, दूसरे आपके घर की हर चीज है ना बड़ी आराम से फंक्शनल है, सो यू आर सिटिंग कॉन्फिडेंट, जो आएगा बेल बजाएगा, मैं अपनी मूवी को पॉज करूंगा, गेट पे जाऊंगा, पैकेज रिसीव करूंगा और वापस आ जाऊंगा. सो दीज आर द टू सिचुएशंस इन विच यू कैन हैंडल a change required in the routine. Yani sometimes events occur that require your immediate attention. For that to happen, first of all, you need to detect ke event hua hai. Phir aap us event ke upar koi action de sakte. To agar aap us event ko detect karne ke liye khud baar baar ja ke observe kar rahe hain ki event hua hai ya nahi hua, to it is called polling. On the other hand, agar आपका जो इवेंट है वो ऑटोमेटिकली खुद आपको नोटिफाई करवा देता है कि मैं हो गया हूं, पे अटेंशन टू मी, इट इज कॉल्ड इंटरप्ट. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक सिस्टम बनाया जिसमें के जो है ना वो आप चाहते हैं कि जी गाड़ी की जो स्पीड है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम आप बना रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड जो है वो जब 60 किलोमीटर पर आर हो जाए तो बस उसके बाद फिर उस फर्दर जो पैडल है वो मजीद ना दबे. एक तरीका ये है कि जी आप बार बार गाड़ी की स्पीड खुद जाके चेक करें कंटिन्यूसली चेक करें. एक ये है कि जी आपने गाड़ी में ऐसा सिस्टम लगा दिया है जो खुद ब खुद जब 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड होती है तो एक अलार्म बजा देता है. सो फर्स्ट केस इज इंटरप्ट पोलिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर सेल्फ यार 60 किलोमीटर पर आर हुई कि नहीं, आप जो है वो देख रहे हैं अपना स्पीडोमीटर, देख रहे हैं 60 हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं, जब हुई तो फिर आपने कहा कि चलिए अब इससे ज्यादा पैडल मैंने नहीं दबाना. दूसरा तरीका क्या है, जिस तरह अगर आपने डेवो से सफर किया हो तो डेवो में जब उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आर से ऊपर जाती है, क्योंकि बड़ी बसेस को 100 वहां पर स्पीड ऑथराइज है, सो उसके अंदर एक अलार्म बज जाता है खुद ब खुद. ठीक है, वो अलार्म इज इंटरप्ट. अगर नॉर्मल बस में जा रहे हैं तो नॉर्मल बस का ड्राइवर सिर्फ स्पीडोमीटर को देख के अपने आप को रुका दे. ठीक है जी, अब इन दोनों में फर्क जो है ना वो टेक्निकली यू है कि जब आप
कंटिन्यूअसली खुद जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ, तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर प्रोसेसिंग पावर इन डूइंग समथिंग, या यू आर कंज्यूमिंग योर पावर। जैसे वो टाइम जो कि बस का जो ड्राइवर है उसको रोड पे देख रहा होना चाहिए था, बिकॉज एट 100 किलोमीटर पर आवर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड देना बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड अपने स्पीडोमीटर को देखने पे सर्व कर रहे हैं, जबकि डेवो का ड्राइवर जो है वो ज्यादा अपनी उसको नहीं देख रहा, स्पीडोमीटर को नहीं देख रहा, वो अपना चलाता चला जा रहा है। उसे पता है कि यार अगर मैंने 100 से क्रॉस किया मेरे जना ये अलार्म बच जाएगा, मैं खुद बहुत ज्यादा उसको रिड्यूस कर लूंगा। सो वो टोटली फोकस्ड है उसका, सो उसकी ब्रेन पावर एंटायरली एक मकसद के यूज होगी। तो काम जब भी आपको कोई ऐसे जना वो काम इम्प्लीमेंट करने हो एम्बेडेड सिस्टम्स में जहां पे कि रिक्वायरमेंट हो कि आपने किसी स्पेशल इवेंट को ट्रैक करना है और उसको अटेंशन देनी है, तो उसको या पोलिंग से किया जा सकता है या इंटरप्ट से किया जा सकता है। अब इंटरप्ट काम कैसे कर, ठीक है जी। सो ये एग्जांपल भी उसी तरह से है, अलार्म रिंगिंग भी यूज कर रहे हैं ना, बार-बार देखो टाइम भी बार-बार जाते हैं, जैसे इफ्तार जना वो आपने सहरी के लिए अगर आपने अलार्म नहीं लगाया हुआ तो आप बार बार जना वो उठ के क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे घड़ी, देख रहे होंगे या टाइम तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं हो गया। अगर आपने अलार्म लगाया हुआ तो आप सुकून से सो रहे होंगे कि बज जाएगा अलार्म, ठीक है ना। सो इंटरप्ट क्या है, द सिस्टम इन्फॉर्म्स द सीपीयू दैट इट नीड्स अटेंशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट नीड्स अटेंशन। Polling care the system, the CPU constantly checks the status of the system to find whether it needs attention. ठीक है जी, इसी को आप marketing की terms में भी देख सकते हैं। एक वो है कि जी बड़े brand है, उसे पता है यार मेरे पास customer नहीं आना यहाँ, तो वो marketing में कोई effort नहीं spend कर रहा, उसे पता है यार ये जो है वो customer आएगा और खुद मुझसे खरीद के ले जाएगा। Marketing वाला बार बार लोगों को बुलाता है, यार इधर आओ ये देखो ये मैंने ये लगाया है ये सॉन्ग, वो लोगों को जना वो की अटेंशन लेने की। अच्छा, तो इंटरप्ट क्या है, ऑन अ वेरी बेसिक लेवल एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल दैट इंटरप्ट्स द करंट प्रोसेसर एक्टिविटी, किसी तरह से जो प्रोसेसर कर रहा है उसको रोक के जो नया काम किया जाए या एटलीस्ट प्रोसेसर को बता दिया जाए कि ये इवेंट हो गया। देन इट मे बी ट्रिगर्ड बाय टू फेज, दो तरीकों से हो सकता है, कोई उस सीपीयू का जो पैकेज है उसके बायर कोई इवेंट हुआ है या उसके इंटरनल कोई इवेंट। अगर बायर कोई इवेंट हुआ है तो उसे एसिंक्रोनस कहते हैं, क्यों, इट इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपकी क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, किसी भी वक्त वो इवेंट हो जाएगा। और सिंक्रोनस इवेंट वो है जो कि इंटरनली आपके जनरल वो सिस्टम के अंदर हो रहा है, और दैट इज बाय उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, वो सिंक्रोनाइज्ड विद योर क्लॉक। तो जब एक दफा एक इंटरप्ट ट्रिगर हो जाती है तो इट कॉजेज द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट अ डिफरेंट फंक्शन, और उसको हम जो है ना वो क्या कहते हैं, इंटरप्ट हैंडलर या इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं, ISR, ठीक है। और जब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन खत्म हो जाती है, अपना काम कर लेती है, तो इट गेट्स बैक, ठीक है जी। जिस तरह मैंने आपको वो कहा कि आपके डोर पे कोई डिलीवरी देने के लिए आया है, आप मूवी देख रहे थे, आप उठ के गए, आपने जाके पैकेज रिसीव किया, वापस आए पैकेज को खोल के देखा, ठीक है जी ओके, जो कुछ आपने उसे करना था वो कर किया और दोबारा मूवी ऑन कर। सो यू रिज्यूम योर एक्टिविटी इमीडिएटली फ्रॉम वेयर यू हैड स्टॉप्ड। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो है ना वो दुनिया में बहुत सारे इवेंट्स जो है ना वो आपको एम्बेडेड सिस्टम्स की ब्यूटी ही है कि ये जो है ना वो एक्सटर्नल इवेंट्स को रिस्पॉन्ड कर सकते, ठीक है जी, जिसके लिए GPIOs भी हैं कि इनपुट ले सकते हैं आउटपुट ले सकते हैं, बट समटाइम्स जो ना वो आपको कुछ स्पेशल इवेंट्स के ऊपर जो है वो चाहिए होता है कि यार नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन रुक जाए, ठीक है। सो यूजिंग एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग बाय इंटरप्ट्स एनेबल्स अस टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ आवर कोड, ठीक है, वरना पोलिंग का मेथड मौजूद है बट पोलिंग में हमारी जो है ना वो कंप्यूटेशन एफिशिएंसी अननेसेसरी ज्यादा होती है, भाई वो इवेंट हुआ या नहीं हुआ हम ऐसे ही जो ना बार बार आपने करनी है वहां पे जो ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि पोलिंग जब आप कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, आपका कोड है
ठीक है जी, एंड यू हैव रिटन फ्यू लाइंस ऑफ कोड, ये सपोज कि जी ये सारी लाइंस गुजारने के बाद इस पॉइंट पे आप चेक करते हैं कि पोलिंग हुई है कि इंटरप्ट हुई है कि नहीं, ठीक है जी। ओके, हुआ ये कि आप जो ना इस साइकिल से गुजरे, इस पॉइंट पे आए, आपने चेक किया कि जी मेरी जो डिजायर्ड इवेंट है वो ओकर हुआ कि नहीं हुआ, और वो नहीं हुआ हुआ था, आपने कहा ओके दोबारा से कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो, एग्जैक्टली इस जगह आ गए, और जैसे ही आप इस जगह आए तो पीछे से इंटरप्ट हो गई। नाउ बाय द टाइम जो है ना वो ये जब तक ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास वो इवेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। एंड इन सम केसेस लेट्स से कि वो इवेंट जो है वो एक छोटी सी बस स्पाइक होती है और वो आके चली गई, तो और आपने अगर उसकी कॉन्फ़िगर भी जो ना वो उस तरीके से करने की ऑप्शन नहीं थी आपके पास, तो वो तो आके चली गई, अब आपको पता ही नहीं है कि वो हुआ था कि नहीं हुआ था। यानी जिस वक्त आप जैसे आप अपने डोर पे देखने जा रहे हैं कि वो बंदा आया कि नहीं आया, तो अगर डिलीवरी बॉय जब आप गए उस वक्त वहां पे मौजूद था तो आप देख लेंगे, नहीं था तो आप वापस आ जाएंगे, फिर 5 मिनट मूवी देखेंगे, फिर वापस जाएंगे, तो वो 5 मिनट आपके वेस्ट हो रहे हैं। सपोज कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, सपोज आपका वीडियो लेक्चर आपको जो है वो कोई डिलीवर होना था, ठीक है, सपोज कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि आपने लेट से कि कोर्ट में किसी बड़े जो है एग्जैक्टली टाइम के ऊपर सबमिट करना था, तो क्या हुआ कि उसके अंदर डिले इज नॉट अफोर्डेबल, सो दैट इज वाई कि जी इंटरप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। पहली बात एफिशिएंसी इंप्रूव कर देती है, नंबर टू कि जी आपको प्रिसाइज टाइमिंग है वो जो है वो अलाउ करते, ठीक है जी। ओके, सो पोलिंग और इंटरप्ट को अगर आप कोड लेवल के ऊपर देखें तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया क्या है कि जी पोलिंग में क्या हो रहा है, वो अभी हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। पोलिंग में क्या है, गेट डिवाइस स्टेटस फॉर एग्जाम्पल, इफ सर्विस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विस अदरवाइज प्रोवाइड नॉर्मल एग्जीक्यूशन, सो यहाँ पे आप इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं। इंटरप्ट में क्या होता है, इंटरप्ट में यू आर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के सडनली इंटरप्ट का सिग्नल आया, वो इंटरप्ट का सिग्नल आके इधर से सीपीयू को बता देता है कि जी आई हैव अकर्ड, सो वो ये जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है इसको रन करता है और उसके रन करने के बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन में चला जाता है। इंटरप्ट को जो ना वो रन करने के बाद आता है और अगर ये kth इंस्ट्रक्शन पे था तो उसके बाद k प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फिर चलता रहता है, ठीक है जी। So using polling the CCU, you must continually check the device's status and using interrupt, a device will stand up and interrupt signal well needed. अच्छा, अब इसमें यह है कि बहुत सारे इंटरनल डिवाइसेज भी हैं जो कि एजेंट को इंटरप्ट की जरूरत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना वो एक खास टाइम के बाद कोई एक्टिविटी करनी होती है, मिसाल के तौर पे आपने एक बॉयलर है, बॉयलर का टेम्परेचर आपने खुद जाके चेक करना होता है आफ्टर एवरी 25 मिली सेकेंड्स, तो अब आप 25 मिली सेकेंड्स कैसे काउंट करेंगे, आपको जो माइक्रो कंट्रोलर है इट प्रोवाइड्स अ टाइमर, आप उस टाइमर को ऑन कर देंगे, तो जब टाइमर के 25 मिली सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप खुद जाके देखें यार 25 मिली सेकेंड हुए कि नहीं हुए, विच इज नॉट एफिशिएंट, दूसरा ये कि एक टाइमर आपको खुद बता दे कि जी मेरा ये इवेंट जो आपने लगाया था ये कंप्लीट होगा, सो लिटरली ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो ना That is happening within this microcontroller. Almost everything has got its own interrupt. So, इसमें कुछ repetition of the arguments भी होगी. Don't worry about that. अच्छा, अब interrupt handling, interrupt service routine जो ना ये कैसे हैं? ठीक है जी. तो high level के ऊपर आप बता देखें. तो interrupt occurs. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि जो करंट इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है वो एग्जीक्यूट करता है पूरी, उसको दरमियान में नहीं छोड़ता, उसके लिए एक साइकिल चाहिए, दो चाहिए या तीन चाहिए, वो उसको कंप्लीट कर फिर आगे जाता है। उसके बाद सेव द प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक कि जो है ना वो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी थी वो स्टैक के ऊपर डालता,
उसके बाद जो है ना वो क्या करता है, इंटरप्ट जंप वेक्टर को एग्जीक्यूट करता है। क्यों? क्योंकि हर जो है ना वो सोर्स ऑफ इंटरप्ट से रिलेटेड एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है, एक लुकअप टेबल होता है जहां पे एड्रेस पड़ा हुआ होता है उस फंक्शन का जो उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए लिखा गया। तो ये जाता है जाके उस इंटरप्ट के जो ना उस इंटरप्ट वेक्टर टेबल में से उस एड्रेस को उठाता है, उस एड्रेस के ऊपर जंप कर जाता है जहां के ऊपर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पड़ी है, ठीक है ना। जब उसके बाद जरा इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है, देन रिटर्न टू नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आपका फंक्शन जरा वो खत्म होता है तो वो आरईटी की इंस्ट्रक्शन जरा वो इशू करता है। आरईटी मींस रिटर्न असेंबली में, ठीक है जी। आरईटी और दो इंस्ट्रक्शन है, एक आरईटी एक आरईटी आई, तो एक रिटर्न और एक रिटर्न इंटरप्ट। अगर वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन से हैंडल कर रहा था तो फिर वो रिटर्न इंटरप्ट की एग्जीक्यूशन होती है और उसके नतीजे में वो वापस जो है ना वो चला जाता है और कहां जाता है, दोबारा से स्टैक में से प्रोग्राम काउंटर को लोड कर उस इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट। अगर पेरिफेरल के जो है ना पर्सपेक्टिव से देखें, तो लेट्स से कि ये एक पेरिफेरल था जिसने के जो है ना वो इंटरप्ट जनरेट की, इसने इंटरप्ट रिक्वेस्ट की, CPU ने इंटरप्ट एक्नॉलेज कर दी कि हाँ जी ठीक है। इंटरप्ट एक्नॉलेज कैसे करता है, वो किसी फ्लैग स्टैक को जो है वो हाई कर, उसके बाद यहाँ से जो है वो आपका CPU जंप कर जाता है ऑन द इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है जी। ये वेक्टर टेबल है, वेक्टर टेबल से लेता है इंटरप्ट हैंडलर का एड्रेस लेता है और वो पास कर देता है CPU को, और उसके बाद CPU उस इंटरप्ट हैंडलर को एक्सिक्यूट। सो दिस इज एक्चुअली द, ये मैंने इसलिए मल्टीपल एंगल से मैं आपको यूं ये इस वजह से दिखा रहा हूँ बिकॉज इंटरप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन माइक्रोप्रोसेसर, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो आपको बहुत ज्यादा, जब आप कोड के लेवल पे जाएंगे तो आपको इतना शायद मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन ऑन द आर्किटेक्चर लेवल आपको पता होना चाहिए क्यों वो तो ऐसा होता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने पिक माइक्रोकंट्रोलर में काम कर रहा था तो उसके लिए एक माइक्रो सी के नाम से एक कंपाइलर आता था और वो बड़ा अच्छा है, उसके अंदर ना बिल्ट इन फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी, बट होता क्या था वो काम नहीं कर रहा था, उसमें कोड लिखता था वो कोड काम नहीं करता। तो बहुत ट्राइज के बाद जो है वो जाके पता चला कि एक्चुअली जो कंपाइलर है उसके अंदर मसला है, मैं समझता रहा कि मेरे कोड में मसला है या हार्डवेयर में मसला है, वो पता चला कि माइक्रो कंट्रोलर के उस कंपाइलर में मसला है। So, आपको अगर आर्किटेक्चर पता होगा ना तो आपको ये भी पता होगा कि अच्छा यार अब मैं इसको कैसे टेस्ट कैसे करूं सिमुलेटर के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने इंटरप्ट इनेबल की है लेकिन इंटरप्ट फायर नहीं हो रही, तो आप जब डीबग करेंगे तो डीबग करते हुए जाके देखेंगे यार वो स्टेटस रजिस्टर में जो ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल थी वो हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आपको पता लग जाएगा यार समथिंग इज रॉन्ग एट दिस पॉइंट, इंटरप्ट इनेबल नहीं हो रही है, ये इंस्ट्रक्शन काम नहीं कर रही, ठीक है जी। That is why इसका आर्किटेक्चर पता होना बहुत जरूरी है। Then ये पता होना कितना टाइम लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई इंटरप्ट अगर हो और जो कुछ कर रहे हैं वो छोड़ के बस फौरी तौर पे इंटरप्ट देखना शुरू कर दे, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो 3 साइकिल कम अज कम लूंगा और उसके बाद एट मैक्स मैं 3 क्लॉक साइकिल्स लूंगा फिर मैं जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन में पहुंचूंगा, तो इट माइट नॉट बी अफोर्डेबल टू यू। तो आर्किटेक्चरली ये पता होना जरूरी। अच्छा कुछ डेफिनेशन, इंटरप्ट क्या है, इवेंट इन अ हार्डवेयर दैट ट्रिगर्स द प्रोसेसर टू जंप फ्रॉम इट्स करंट प्रोग्राम काउंटर टू स्पेसिफिक पॉइंट इन द कोड। इंटरप्ट सर्विस रूटीन द फंक्शन दैट इज कॉल्ड, ठीक है जी, और द पर्टिकुलर असेंबली कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इंटरप्ट हैपेंस। इंटरप्ट फ्लैग, दिस इज द बिट दैट इज सेट दैट ट्रिगर्स द इंटरप्ट, लीविंग द इंटरप्ट रीसेट्स दिस फ्लैग टू द नॉर्मल स्टेट, ठीक है जी। तो जब आपके इंटरप्ट जो है ना वो होती है तो ये इंटरप्ट का फ्लैग जो है ना वो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको ट्रिगर करता है, ठीक है जी, जिसके नतीजे में आपको पता चलता है कि अच्छा अब ये वाली इंटरप्ट है जो कि जो है ना वो फायर हो गई है, सो आई नीड टू गो एंड फाइंड इट्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट इनेबल क्या है, इट इज अ कंट्रोल बिट दैट टेल्स द प्रोसेसर दैट अ पर्टिकुलर इंटरप्ट शुड बी और शुड नॉट बी। तो 2 बिट्स हैं जो कि ओवरऑल जो है वो ऑन करते हैं, यानी कि यू कैन से कि हर इंटरप्ट के रास्ते में 2 स्विचेस हैं,
एक ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल है और एक जो है ना वो सिंपल इंटरप्ट एनेबल है। सो फॉर एग्जांपल ये एक टाइमर है, ये पीडब्ल्यूएम की है, ठीक है जी, ये लेट से एसपीआई की है। अच्छा अब इसमें हो क्या रहा है कि जब तक ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल नहीं होगी तो आगे से कोई चीज नहीं चलेगी। तो ग्लोबल इंटरप्ट का इनेबल होना तमाम इंटरप्ट्स के काम करने के लिए जरूरी है। उसके बाद जिस चीज को आप इंडिविजुअली इनेबल करेंगे, लेट से कि आप कहते हैं जी टाइमर की इंटरप्ट मुझे चाहिए, तो वो इनेबल होगी, अदरवाइज ना वो नहीं होगी। आप कहते हैं पीडब्ल्यूएम नहीं चाहिए, उसको मत इनेबल करें उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बिट से, ठीक है जी। सो ये इंटरप्ट इनेबल जो है वो स्पेसिफिक बिट है। देन इंटरप्ट वेक्टर टेबल, ये टेबल है एक मेमोरी में जो कि सिर्फ एड्रेस बताता है कि अगर ये वाली इंटरप्ट होगी तो इसके लिए जो इंटरप्ट का फंक्शन है वो फला जगह पे पड़ा है, सीपीयू को बता। ये जो हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि ये वेक्टर टेबल है, तो जब इंटरप्ट होती है तो सीपीयू जो है ना वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल को जाके लुकअप करता है, वो बताता है कि फला एड्रेस के ऊपर जो है ना वो तुम जंप करो प्रोग्राम मेमोरी में, तो वो पड़ा वहां में पड़ा हुआ होगा तुम्हारा जो इंटरप्ट का सर्विस रूटीन। अच्छा अब एटमेगा में इंटरप्ट कौन कौन सी है जो कि जो ना वो हमारे पास डिफाइंड। फर्स्ट इंटरप्ट इज रीसेट। जब भी आप जो ना वो आपके पास एक रीसेट का बटन होता है और एक और फंक्शन है जिसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था विच इज कॉल्ड पावर ऑन रीसेट, ठीक है जी। सो एक एक्सटर्नल पिन है रीसेट की, एक पावर ऑन रीसेट है। उसके अलावा हमने दो चीजें और पढ़ी, ब्राउन आउट डिटेक्ट। ब्राउन आउट क्या था कि अगर वोल्टेज लेवल एक खास लेवल से नीचे जाता है, याद है जिसमें कि हमने कहा था कि हिस्टेरेसिस का फिनोमेना है, एक खास लेवल से नीचे जाता है तो फिर उसके और उसके बाद दोबारा वापस से ऊपर आता है, तो वो क्या करता है कि उसको रीसेट करवा देता है। एंड देन वॉचडॉग सिस्टम रीसेट क्या था कि वो ये चेक करता रहता है कि सिस्टम सीपीयू जो है यस अवेलेबल है, किसी ऐसे काम में ना फंस जाए इनडेफिनेटली कि वो वहां से रिटर्न ही ना हो। सो उसके लिए वो एक टाइमर सा था जिसके बाद जो है ना वो सीपीयू उसको एक इंस्ट्रक्शन भेजता है कि जी मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। देन यू हैव टू एक्सटर्नल इंटरप्ट्स, दो पिन्स हैं जिसके ऊपर बाहर की आप कोई भी पिन जो है ना वो इंटरप्ट को इनेबल कर सकते। देन यू हैव पिन चेंज इंटरप्ट, ठीक है जी। ये जो है वो 23 सोर्सेस है, हर पिन के ऊपर आप इंटरप्ट इनेबल कर सकते हैं विद एक्सटर्नल इंटरप्ट। अब आप कहेंगे कि जी पिन चेंज यानी अगर पिन का स्टेटस चेंज होता है तो आप उसके ऊपर जो है वो इंटरप्ट को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, इट विल एक्ट एज एन इंटरप्ट। तो अगर सारी पिन्स के ऊपर हो सकता है तो फिर एक्सटर्नल इंटरप्ट या ना इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1 और इनमें क्या फर्क है, तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी, इनमें थोड़ा सा जो है वो फर्क है, ठीक है। देन वॉचडॉग टाइमर जो है, वॉचडॉग टाइमर की जो है वो हमने कहा कि इसकी जो है वो रीसेट है इंटरप्ट है। उसके बाद जो है वो काउंटर्स, काउंटर्स में ना क्या होता है कि आप दो तरीकों से करते हैं, एक ये कि जी टाइमर ओवरफ्लो हो गया कि टाइमर के मैक्सिमम वो जनरल लेट्स से कि डिले दे सकता था वन जना वो 1 सेकंड का डिले दे सकता था, उसने 1 सेकंड के बाद या 100 सेकंड का सकता 100 सेकंड के बाद वो ओवरफ्लो हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे 100 नहीं, मुझे तो 38 सेकंड का डिले प्रिसाइसली चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि कंपेयर में एक रजिस्टर में वो वैल्यू स्टोर कर देते हैं, तो वो उसके साथ कंपेयर करता है और जब वो चीज हो जाती है तो आपको ना वो एक इंटरप्ट कर देते हैं। तो इस तरह की दो वैल्यूज आप साइमल्टेनियसली स्टोर करते हैं, यानी टाइमर तो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है ना, वो तो रुक नहीं रहा है, लेकिन आपने लेट से दो इवेंट्स ट्रैक कर दें तो आपको टाइमर अलाउ करता है कि आप ना वो एक तरफ भी ना वो कर दें और दूसरी तरफ भी कर कंपेयर कर उससे इंटरप्ट आ जाए, ठीक है। और इस तरह के टाइमर इसके आपके पास कितने अवेलेबल है, आपके पास 3 टाइमर जो है अवेलेबल। अच्छा इसके बाद सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस एसपीआई, इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब ये डेटा कंप्लीट कर लेता है तो ये इंटरप्ट कॉज कर देते हैं। यूआरट का, जब यूआरट के पास 8 बिट्स कंप्लीट हो जाती तो वो एक इंटरप्ट फेस कर देता है कि मेरे पास 1 बाइट कंप्लीट हो गई है, नाउ यू कैन रिसीव।
अदरवाइज क्या होता है कि उसका एक बफर है जो कि मैक्सिमम यूजुअली 16 बाइट्स का बफर होता है, तो वो क्या करता है वो बफर में जो है ना वो डालता रहता है। जब बफर जो है ना वो से आप निकालेंगे नहीं वहां से वैल्यूज, तो क्या करेगा ओवरराइट करना शुरू कर देगा, तो आपका डेटा लॉस होता है। सो दैट इज व्हाई कि आपने क्या करना है कि जब इंटरप्ट होगी, ठीक है, ये इंटरप्ट इसलिए डिजाइंड है कि जब आपका जो है ना वो डेटा रिसीव कंप्लीट हो गया तो आप वहां पे। इसी तरह से ट्रांसमिट, आप एक बाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं, इट टेल्स यू कि हाँ जी एक बाइट ट्रांसमिट हो गई है, नेक्स्ट बाइट जो है ना वो देखें, ठीक है। इस साइड पे भी बफर लगा हुआ होता है और ये ट्रांसमिशन की भी जो इंटरप्ट है वो इसीलिए काम करती है कि इसको ट्रैक कर सकते। एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की इंटरप्ट है। जब आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कोड पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर एक पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर एक सर्टेन डिले है, उसके अंदर कैपेसिटेंस लगे हुए होते हैं और वो कैपेसिटर जिस जिस लेवल पे चार्ज होते चले जाते हैं उस लेवल के ऊपर आप कहते हैं कि अच्छा जी ये बाइनरी कोड होगा। उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, जब वो वक्त आएगा तो आप वो देखेंगे, ठीक है। अब कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो टाइम कॉन्स्टेंट है, उससे कम टाइम में वो नहीं हो सकता ना? और दैट इज वॉट एक्चुअली डिटरमिन्स कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आप जो है ना ये लगा सकते। अगर आप जो है ना वो, आपको पता है कि आपकी जो सैम्पलिंग रेट है, सैम्पलिंग रेट आपका जो है वो नाइक्विस्ट रेट के बराबर होना चाहिए, ट्वाइस द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। अगर आप उससे आपका सिग्नल की बैंडविड्थ ज्यादा है और एडीसी उस रेट के ऊपर जो है ना वो उसको उसको सैंपल नहीं कर सकता, तो यू विल हैव इंफॉर्मेशन लॉस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नल नहीं हो सकता। तो एडीसी आपको बताता है कि कब कन्वर्जन कंप्लीट होगी, ठीक है जी। डबल ई प्रॉम के ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, कब वो रेडी है कि अच्छा जी इसके ऊपर आप जो है ना डेटा ऑपरेशन कर सकते हैं। एनालॉग कंपैरेटर ये भी उसी के लिए है, एडीसी से रिलेटेड है। टू वायर इंटरफेस, टू वायर इंटरफेस जो है अगेन एक सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, लाइक आई स्क्वेयर सी, और इसकी अपनी एक जगह पर। एंड देन एसपीएम रेडी व्हिच इज द स्टोर प्रोग्राम मेमोरी रेडी, जिसमें प्रोग्राम मेमोरी को जब आपने जो है वो हैंड कर। अच्छा, तो इसमें 26 सोर्सेज ऑफ इंटरप्ट, 26 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंटरप्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपने एक चीज के ऊपर गौर नहीं किया होगा, वो ये है प्रोग्राम एड्रेस। प्रोग्राम एड्रेस को मैंने डिफाइन नहीं किया कि ये प्रोग्राम एड्रेस क्या। तो देखें कि रीसेट का प्रोग्राम एड्रेस है 0000, ठीक है जी। इंटरप्ट जीरो का है 0002, इंटरप्ट वन का है 0004। ये क्या है? ये यस, ये जो है वो आपको प्रोग्राम मेमोरी के अंदर आपका ये जो जो एड्रेसेस है ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है कि जब भी रीसेट का की इंटरप्ट होगी तो ऑटोमेटिकली सीपीयू जाके एट द प्रोग्राम लोकेशन 0000 देखेगा कि यहां पे अब एड्रेस क्या स्टोर हुआ हुआ है। जो एड्रेस स्टोर हुआ होगा उस जगह के ऊपर जंप कर जाएगा कि यहाँ पे तुम्हारी सर्विस रूटीन पड़ी है। सही है, हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये प्रोग्राम में ये तो आर्किटेक्चर का है। हाँ, ये आर्किटेक्चर के साथ आपने जिस चीज को इनेबल करेंगे ना, आपने सिर्फ उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन वो आपका काम। ये जो है ना ये एड्रेसेस डिफाइंड है, ये इन एड्रेसेस के ऊपर उस फंक्शन का एड्रेस लिखा जाएगा जो आप लिखेंगे, ठीक है। ये भी अभी आगे चल के तो ये देखें कि ये 2 bytes का एड्रेस है, 16-bit का एड्रेस है, 0000 एंड 0001 के ऊपर जो है वो रीसेट के इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस है। अच्छा, तो इंटरप्ट का मॉडल क्या है जी? इसको बिट ऑफ अ रेपिटेशन, ठीक है जी। क्या है? व्हेन एन इंटरप्ट इवेंट अकर्स, प्रोसेसर डज एन ऑटोमेटिक प्रोसीजर कॉल। प्रोसीजर कॉल करते हैं, कॉल ऑटोमेटिकली डन टू एड्रेस फॉर दैट इंटरप्ट, ठीक है जी। अगेन प्रोग्राम काउंटर को जो है ना वो स्टैक पे जाएगा, इंटरप्ट एड्रेस पे जाएगा, ठीक है जी। ईच इवेंट हैज इट्स ओन इंटरप्ट एड्रेस, जो हमने देख लिया। ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल बिट इज ऑटोमेटिकली क्लियर। क्यों? जब एक इंटरप्ट जो है ना वो आ जाती है और ये इंटरप्ट को जो है ना वो सर्विस करने के लिए चला जाता है, तो वहां से ये ग्लोबल इंटरप्ट को डिसेबल कर देता है। यस, क्यों? क्योंकि अगर एक इंटरप्ट के दरमियान दूसरी इंटरप्ट भी आ गई
तो इट डज नॉट हैव अ मैकेनिज्म कि ये इंटरप्ट से एक और इंटरप्ट के अंदर जो है ना वो जंप कर सके। अच्छा, किया जा सकता है, कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स में ये भी किया जा सकता है, बट इस केस में जो डिफॉल्ट प्रोसीजर है वो यही है कि जी आप ग्लोबल इंटरप्ट डिसेबल कर देंगे, ताकि जब तक इंटरप्ट जो है ना वो नहीं पूरी की पूरी सर्विस हो जाती। वहां भी होती है प्रायोरिटी इंटरप्ट, कुछ जो होते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स वहां भी प्रायोरिटी इंटरप्ट होती है कि अगर हायर प्रायोरिटी की इंटरप्ट आ गई और आप लोअर प्रायोरिटी की इंटरप्ट की सर्विस रूटीन में थे तो आप वहां से फिर जंप कर जाते हैं हायर प्रायोरिटी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो इंटरप्ट प्रायोरिटी जो है ना वो हम हैंडल नहीं कर रहे। ठीक है जी, सो नेस्टेड इंटरप्ट की वजह से डिसेबल हो जाती है, और जो स्टेटस रजिस्टर वाली जो बिट है इट कैन बी सेट टू एनेबल नेस्टेड इंटरप्ट इज इफ डिजायर्ड, यानी किया जा सकता है, मैंने बताया था किया जा सकता है, बट डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि जी नेस्टेड इंटरप्ट आर नॉट अलाउड। अगर आपने करनी है तो फिर वो आपको स्पेसिफिकली खुद से करनी पड़ती है। इंटरप्ट प्रोसीजर जिसको इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी कहते हैं, डज व्हाटएवर इट नीड्स टू डू देन रिटर्न्स बाय द रिटर्न इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए जी, द ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल बिट इज ऑटोमेटिकली सेट ऑन रिटर्न इंटरप्ट, दोबारा जब आते हैं तो ग्लोबल जाना वाली बिट में। वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड आफ्टर आरईटी। अब देखिए कि हर जो स्लाइड है ना वो उस डिटेल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाती चल जाती है। अब यहां भी क्या है, पहले हमने कहा कि जी जब एक दफा इंटरप्ट होती है तो जिस इंस्ट्रक्शन पे इंटरप्ट होती है वो इंटरप्ट जब तक वो इंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक आप इंटरप्ट में एंटर नहीं होते। अब उसके नेक्स्ट ये है कि जी जब आप एक दफा इंटरप्ट में चले जाते हैं, इंटरप्ट कंप्लीट करते हैं, वापस रिटर्न करते हैं, एटलीस्ट वन इंस्ट्रक्शन जो है ना वो आपने एग्जीक्यूट करनी है बिफोर गेटिंग गोइंग एंड एड्रेसिंग अनदर इंटरप्ट। सो लेट्स सपोज कि आप जो है वो यहाँ पे प्रोग्राम में थे, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, इधर इंटरप्ट हुई, आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन में आ गए। ठीक है जी, अब आपने जाते हुए ये वापस जाके ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। अब वाइल यू आर इन ISR एक और इंटरप्ट चला कर और आपने नेस्टेड इंटरप्ट को एनेबल नहीं किया हुआ तो क्या होगा, यहां से आप जब एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करके आप इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है जी, सो अब ऐसा नहीं होगा कि यहां से ये एक और इंटरप्ट सर्विस रूटीन को है में जाए वो चला जाएगा, इंटरप्ट हैंडल नहीं करेगा, ये पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाली इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाएगा। इसमें चूंकि मैंने कहा कि नेस्टेड इंटरप्ट की हम बात नहीं कर रहे, तो इसमें प्रायोरिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें अंदर ऑल इंटरप्ट्स आर इक्वल प्रायोरिटी इंटरप्ट्स, लेकिन जो जनरली जो माइक्रो कंट्रोलर्स जो जो इससे बेहतर लेवल के ऊपर होते हैं उसमें प्रायोरिटी इंटरप्ट्स होते हैं। अच्छा जी, अब इंटरप्ट्स हैं देयर ऑफ टू टाइप्स, टाइप वन जिसमें इवेंट इज रिमेम्बर्ड वन इंटरप्ट इज डिसेबल्ड। ठीक है जी, के इंटरप्ट हुई, अब लेट्स सपोज कि जी ग्लोबल इंटरप्ट जो है वो डिसेबल थी। ठीक है जी, और इस इंटरप्ट को भी आपने जो है वो डिसेबल किया हुआ था, लेकिन एक्सटर्नल ये कोई भी इंटरप्ट जो है वो हुई तो एक इंटरप्ट का जो फ्लैग है वो सेट हो जाता कि जी ये इंटरप्ट हुई थी, तो जब दोबारा इंटरप्ट इनेबल हो जाती होती है तो वो इंटरप्ट जो है कॉज कर। जैसे हमने कहा कि ग्लोबल इंटरप्ट जो है ना वो में आप जा रहे हैं, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में आप चले गए हैं, ग्लोबल इंटरप्ट आपकी डिसेबल है, सो अब क्या हुआ कि मीनवाइल एक और इंटरप्ट हो गई, अब इंटरप्ट्स तो सारी की सारी डिसेबल है, तो क्या होगा, उसका फ्लैग जो है ना वो रेज हो जाएगा कि जी ये वाली इंटरप्ट कॉज हुई थी। अब जैसे ही दोबारा इंटरप्ट जो है ना वो ये वाली इंटरप्ट खत्म होगी तो जो है ना वो आपकी ग्लोबल इंटरप्ट जैसे ही दोबारा इनेबल होती है तो ये वाली इंटरप्ट कॉज होगी। ठीक है, कमांड चलेगा उसके बाद, क्योंकि ये स्टोर कर लेते हैं कि यस ये इवेंट हुआ। टाइप टू क्या है, जिसमें इवेंट इज नॉट इंटरप्ट, जनरल रिमेंबर्ड इफ द इंटरप्ट इज इनेबल्ड नॉट इज डिसेबल्ड। सो अगर इंटरप्ट जो है वो डिसेबल्ड है तो फिर वो जो ना वो याद नहीं रखी जाती। इसमें क्या है कि इस केस में सिग्नल लेवल कॉजेस इंटरप्ट, तो आपने वो सिग्नल लेवल तब तक मेक श्योर करना है कि वो उस लेवल के ऊपर रहे
इंटरप्ट के लेवल के ऊपर है जब तक के इंटरप्ट वाला उसको जो है ना वो एड्रेस नहीं कर। अगर जो है ना वो ये हुआ कि आपका सीपीयू इधर आईएसआर में था, इधर इंटरप्ट का सिग्नल आया यू करके निकल गया, वो इंटरप्ट जो है ना वो टाइप टू इंटरप्ट है, तो ये इट विल नॉट बी रिमेम्बर्ड, ये इंटरप्ट होगी नहीं। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं आपकी इंटरप्ट जो है वो डेफिनेटली हैंडल हो तो आपने टाइप वन इंटरप्ट यूज किया। ठीक है, अच्छा जी, इसमें कोई एनीथिंग नहीं। ओह, ये टेबल रिपीट हो गया, दिस इज स्ट्रेंज, ये क्यों रिपीट हो गया, ये अभी तक किया था। चलो, ये इंटरप्ट वेक्टर्स के हवाले से हो गया, मेरा ख्याल है वो वहां पे भी हो सकता है। अच्छा, ये अपना एक टिपिकल प्रोग्राम है जो कि मैंने कहा कि मैं आपको शो करूं कि ये कैसे ना वो हाउ डज इट। अब आप देखें कि जो शुरू के एड्रेसेस हैं वहां पे क्या क्या लिखा हुआ, फर्स्ट एड्रेस इज 0000 जंप टू अ लेबल रीसेट, यानी कोड में एक पॉइंट है जिसको लेबल दिया हुआ है रीसेट का, 0002 जंप टू इंटरप्ट 0। अच्छा, हो क्या रहा? हो ये रहा है कि आपका प्रोग्राम आता है, आके जो है ना वो सबसे पहले वो कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, जीरो, जीरोथ मेमोरी लोकेशन के ऊपर आता है, और जो है ना वो जैसे ही वहां पे आता है उसे पता चलता है कि जी ये तो जंप इंस्ट्रक्शन है, तो वो जंप करके रीसेट के ऊपर आ जाता है। यानी जिस तरह सी में वो वाइल वन वाली लूप थी ना, वॉइड मेन वाइड वाली, void main void is the program entry point, so this reset is the program entry point. program entry point mein aaya, yahan pe aake jo na isne instruction execute ki, theek hai ji, ldi r16 high, theek hai ji, load, theek hai, instruction aur uska high word into r16, उसके बाद आउट कर दो, ठीक है जी, स्टैक पॉइंटर के ऊपर जो है वो हाई वैल्यू R16 की, फिर उसके बाद लोड करो इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का लोअर पार्ट जो है एग्जीक्यूट करो और स्टैक पॉइंटर के लोअर पे जो है वो भेज दो इसको R16 को, और वहां पे जब ये इनिशियल एक छोटी मोटा सेटअप हो जाए तो आप जो है वो इनेबल इंटरप्ट कर दो, सो SEI इज इनेबल इंटरप्ट। तो ये जो पीस ऑफ कोड असेंबली में लिखने का मकसद है, ये सिर्फ ये बताना है कि यार आखिर ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। प्रोसेस स्टार्ट ऐसे होते हैं कि हमेशा आपका कंप्यूटर जो है इट इज गोइंग टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम एड्रेस 0000, जिसके ऊपर एक रीसेट इंस्ट्रक्शन पड़ी हो, वो जाएगा सीधा रीसेट इंस्ट्रक्शन के ऊपर, वहां से आपका आगे नॉर्मल प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम के पीछे पीछे ये जितने एड्रेसेस हैं यहां तक क्या होंगे, ये सारे आपके इंटरप्ट सर्विस रूटीन के जो है वो इंटरप्ट वेक्टर टेबल, दिस इज योर टेबल। ठीक है, अच्छा आगे चल के एक और चीज आएगी वो देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ इंटरप्ट्स आर नॉट यूज्ड फिर क्या होता है, देन दिस मेमोरी कैन बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी अगर आप रीसेट के ऊपर भी इंटरप्ट नहीं करना चाहते, रीसेट इंटरप्ट भी नहीं यूज कर रहे, तो आपका प्रोग्राम और किसी किस्म की कोई इंटरप्ट यूज नहीं कर रहे, तो आपका प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस 0000 से शुरू होता है। सारी यही जो चीज हमने यहां पे लिखी है, ये चीज उठ के और इस एड्रेस के ऊपर आ जाए, तो आपका हमेशा, चूंकि माइक्रो कंट्रोलर कहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो 0000 के ऊपर आपका नॉर्मल जो है ना वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, वहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। 32 एड्रेसेस हमारे यूज हो रहे हैं एज अ इंटरप्ट वेक्टर टेबल, बट अगर जो है ना वो उसकी जरूरत नहीं है, आप कोई इंटरप्ट यूज ही नहीं कर रहे, तो फिर ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है ना वो यूज नहीं होता। इनफैक्ट आप इनमें से कोई भी जो यूज नहीं करें,
कोई भी इंटरप्ट जो आप यूज नहीं करेंगे, लेट्स से कि ये आगे वाली सारी आप यूज नहीं करते, तो बस फिर आपने इतनी यूज करे, नाउ यू जब आपका असेंबलर काम करेगा तो वो हो सकता है कि रीसेट को यहाँ पे लिख दे, या अगर आप खुद से असेंबली में कर रहे हैं तो आप लेबल रीसेट को यहाँ पे लगा दे, इट्स परफेक्टली फाइन। क्यों? क्योंकि इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो इंटरप्ट इनेबल है तो फिर उसका इस एड्रेस के ऊपर जो है इंटरप्ट फैक्टर पड़ा हुआ होगा, अगर वो इनेबल ही नहीं है तो उसने ना आके चेक करना, ना उसे डर से कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ। सो देन यू कैन यूज दिस प्रोग्राम फॉर मेमोरी फॉर नॉर्मल प्रोग्राम, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल इंटरप्ट कोड यहाँ पे जो है ये मैंने वही दोबारा जो है वो चीज शो की हुई है कि ये किस तरीके से जो है वो इनेबल इंटरप्ट करके और अब आप यहाँ पे नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दिस इज द सेम कोड यहां से नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये सारों का डिफरेंस 2-2 का था, 22 टू 24, 24 टू 26। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि 1-1 बाइट का शुरू हो गया, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो है वो 2 बाइट्स का, यानी वो 16 बिट का एड्रेस प्रोवाइड करता है टू जंप इनटू द मेमोरी, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली जब आपकी मेमोरी जो है वो 2 किलोबाइट्स की इसके अंदर जो है वो रॉम लगी हुई है, 2 किलोबाइट्स, 2048, ये कितने बिट्स की होगी? 8 बिट्स होती है 256, 9512, 10 होती है जो है वो 1024 और 11 होती है 2048। तो इसका मतलब है कि जब प्रोग्राम मेमोरी 2 किलोबाइट्स की है तो कम से कम उसको 11 बिट्स चाहिए उसमें कहीं पे भी उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को प्लेस करने के लिए, सिंस इट इज मोर देन 8 और ये काम ही बाइट्स में करता है तो उसने जो है वो 2 बाइट्स यूज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। सेकंड बाइट की 5 बिट्स जो है वो की का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। बट ये स्ट्रक्चर इसलिए भी है कि आपको पता है कि इसी तरह के एट मेगा के जो हमने शुरू में पढ़ा था कि जो डिफरेंट वेरियंट्स है वो 2 किलोबाइट से लेके 16 जो है वो कितने किलोबाइट तक यूज करते हैं, 64 किलोबाइट तक की रैम है उसमें, विच इज 65536 बाइट्स ऑफ रैम। अब इसको एड्रेस करने के लिए पूरा कितना चाहिए? इसके लिए पूरी 16 बिट्स चाहिए। सो दैट इज व्हाई कि अब उन्होंने कहा कि भाई रीसेट का जो लेबल है वो तो मेमोरी में कहीं पे भी जाके रखा जा सकता है, लेट्स से कि वो मेमोरी के एंड पे पड़ा हुआ, ठीक है जी। तो अगर वो मेमोरी के एंड पे पड़ा हुआ है तो उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए आपको 16 बिट्स चाहिए, 16 बिट का एड्रेस चाहिए, ठीक है, 8 बिट्स के ऊपर। हालांकि आपका जो सीपीयू है वो 8 बिट है, यानी वो 1 बिट डेटा के ऊपर काम करता है, बट एड्रेसिंग जो है वो 16 बिट की कर सकता है। अच्छा जी, अब कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं कि ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल जो है इट इज अ बिट इन द स्टेटस रजिस्टर, ग्लोबल स्टेटस रजिस्टर जो था हमने देखा हुआ है। देन SEI जो ना ये इनेबल कर देता है और CLI जो है वो इंटरप्ट को क्लियर कर, ठीक है जी। इंटरप्ट प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर इन द टेबल, लोअर एड्रेसेस हैव हायर प्रायोरिटी। तो इसमें जो प्रायोरिटी है वो यही तरतीब है जिस तरतीब से यहाँ पे गिवन है। तो इसमें आप जो है किसी प्रायोरिटी को चेंज नहीं कर सकते, अगर आप इसमें वो नेस्टेड वाला यूज करना चाहेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट को खुद ब खुद से देखेगा। बस प्रायोरिटी कैसी है, प्रायोरिटी हाईएस्ट यहां पे और लोएस्ट यहां, ठीक है जी। यानी अगर सेम टाइम पे दो इंटरप्ट भी आ जाती है तो उसमें से वो किसको जो है प्रायोरिटी देगा जिसका इंटरप्ट वेक्टर जो है वो टेबल में लोअर एड्रेस, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एक्सटर्नल इंटरप्ट। इंटरनल इंटरप्ट जो है वो वहां पे यूज होगी जहां पे हम जैसे जैसे हम कोई पेरिफेरल पढ़ेंगे तो उस पेरिफेरल की अपनी इंटरप्ट होगी तो वो हम देखें। फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हम GPIO देखेंगे, GPIO के बाद हम टाइमर देखेंगे। okay,
ओके, तो इसीलिए आज हम एक्सटर्नल इंटरप्ट्स देखें। एक्सटर्नल इंटरप्ट में आपके पास दो टाइप के इंटरप्ट्स, एक तो मैंने कहा था इंटरप्ट जीरो एंड इंटरप्ट वन, जो दो पिन्स के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा यू हैव पिन चेंज इंटरप्ट पीसीआई, ठीक है। तो अब पहले जो है ना वो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरप्ट हुआ करती थी एक या दो, अब क्या किया कि इन्होंने नई जो जो टेक्नोलॉजी आई इसमें इन्होंने हर पिन के ऊपर इंटरप्ट जो है वो अनेबल कर दिया और उसको कहा पिन चेंज इंटरप्ट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर एक्सटर्नल इंटरप्ट अगर होती है तो उसको एग्जैक्टली ये पता है कि कौन सी पिन के ऊपर जो है ना वो से इंटरप्ट आई, क्यों? क्योंकि वो दो स्पेसिफिक पिन है, इंटरप्ट जीरो इंटरप्ट वन। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंटरप्ट जीरो और इंटरप्ट वन के अपने अपने रूटीन्स। ये जो पिन चेंज इंटरप्ट जीरो वन टू है ये एक्चुअली 8-8 बिट्स की जो ना वो पिन है, पूरी की पूरी पोर्ट है। यानी पूरी पोर्ट में से किसी भी एक पिन के ऊपर कोई काम होगा तो वो इंटरप्ट हो जाएगी और उसके लिए हैंडलिंग रूटीन एक ही बनेगी। यानी 8 की 8 पिन्स में से अगर पोर्ट जीरो जो है उसकी जो ना वो आप पीसी इंटरप्ट एनेबल करते हैं तो उन 8 पिन्स में से कोई एक भी अगर उसके ऊपर जो ना वो कंडीशन पूरी होगी तो वो इंटरप्ट फायर हो जाएगी और उसके लिए एक ही फंक्शन है पीसी इंटरप्ट जीरो। अब सपोज कि जी आपने तो सिर्फ उस पिन को जो ना वो जाके देखना था, आपने हर पिन को तो नहीं चेंज करना, तो पहले आपको इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाके ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि कौन सी पिन से जो ना ये मसला हुआ, कौन सी पिन से इंटरप्ट आई है। सो इसमें देयर इज मोर वर्क इन्वॉल्व। इंटरप्ट जीरो और इंटरप्ट वन में ऑटोमेटिकली पता है कि कौन सी पिन कॉन्टेक्ट चल रही है, ठीक है। ओके, सो एक्सटर्नल में आईएसआर फंक्शन डज नॉट नीड टू रीड द इनपुट पिन एट ऑल, ठीक है जी। पिन चेंज इंटरप्ट्स, इन द पिन चेंज इंटरप्ट्स द आईएसआर मस्ट परफॉर्म मोर सॉफ्टवेयर लॉजिक स्टेप्स टू डिटरमिन व्हिच एक्सप्लिसिट पिन इन द पोर्ट कॉज्ड इट। ये वही बात है जो अभी हम देखी। एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन्स हैव इंडिविजुअल लैचिंग स्टेटस पिन्स, ठीक है जी, कि वो लैच कर लेती है, लैच का मतलब स्टोर कर लेती है कि ये इंटरप्ट जिन्हें कॉज हुई। Even if an input pulse comes and goes before the software has a chance to respond to it, software can still find out that it happened and react suitably. यानी वो आती है जब जो ना वो interrupt आती है का कोई event होता है तो वो event store हो जाता है। और अगर इस वक्त जो ना वो आपका program कोई और जो ना वो interrupt को जो ना वो use कर भी रहा था, कोई और interrupt service कर भी रहा था, जैसे ही वो वहां से दोबारा एग्जिट करेगा ग्लोबल इंटरप्ट एनेबल होगी, उसके बाद ये फायर हो जाएगा। सो इसमें मिस होने का चांस नहीं। अच्छा, रीडिंग एन आईओ पोर्ट व्हिच हैज अ पिन चेंज इंटरप्ट एनेबल्ड एट प्रिसाइसली द टाइम द इनपुट चेंजेस मे रिजल्ट इन द पिन चेंज इंटरप्ट नॉट ट्रिगर। सो अगर आपने पिन चेंज इंटरप्ट के ना मुख्तलिफ मोड्स, अगर आपने उसको कहा कि जी मैंने उसका आपने जाना वो इनेबल कर दिया कि जी उसका स्टेटस चेंज आप चेक करना चाह रहे हैं, अगर स्टेटस चेंज जो है ना वो आप चेक करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर वो लैचिंग मैकेनिज्म नहीं है तो हो सकता है कि इसकी इंटरप्ट ट्रिगर ना। अगर उस टाइम के ऊपर आप अटेंशन दे रहे थे, आपकी जो ना इंटरप्ट इनेबल थी तो ये इंटरप्ट फायर हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है जी। बाय कंट्रास्ट रीडिंग द आईओ पोर्ट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन हैज नो इफेक्ट ऑन द जो ना वो इंटरप्ट, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरप्ट का आप रीड करें जो भी करें उससे इंटरप्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं। एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या है? इंटरप्टेड ट्रिगर्ड बाय द इंटरप्ट पिन्स और एनी ऑफ द पिन चेंज इंटरप्ट पिन्स। इफ एनेबल्ड द इंटरप्ट विल ट्रिगर इवन इफ द इंटरप्ट और पीसी इंटरप्ट पिन्स आर कॉन्फिगर्ड एज आउटपुट्स। अगर आपने इन पिन्स को एज आउटपुट भी ट्रिगर किया, आउटपुट जो है वो फंक्शन के लिए भी यूज कर रहे, लेकिन साथ आप ये वो कह रहे हैं कि अच्छा इंटरप्ट भी मैं इस पे रिसीव करूंगा, तो आप इन पे इंटरप्ट रिसीव स्टिल कर सकते हैं डिस्पाइट कि ये एक्चुअली आउटपुट फंक्शन के लिए आपने रखी, स्टिल यू कैन रिसीव इंटरप्ट इनपुट्स। अच्छा, व्हाट कॉजेस एन इनपुट कैन बी कॉन्फिगर्ड बाय सेटिंग कंट्रोल रजिस्टर्स। मुख्तलिफ तरीकों से आप कर सकते, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, लेवल, व्हाटएवर।
पिंस कौन कौन सी है, इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1 के लिए, पोर्ट डी की पिन 2, पोर्ट डी की पिन 3, पीसी इंटरप्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एनी सिग्नल चेंज टॉगल 0 से 1 या 1 से 0 होगी तो फिर वो इंटरप्ट कॉज कर देगा। और कौन कौन सी इसके लिए पिन है जनाब, पोर्ट बी की 0 to 7, पोर्ट सी की 0 to 6, पोर्ट डी की 0 to 7, इसका मतलब ओवरऑल 23 पिन्स। अब आप देखें कि इसमें सिर्फ एक चीज है जो मिसिंग है, वो क्या, बंदा कहते हैं यार यहाँ पे तो ये मैंने 24 लिखा हुआ है, 24 नहीं है एक्चुअली, 0 to 7 8 होगी, 8 to 14 कितनी होगी 7 होगी, सो 8 और 7 15। अब यहाँ भी 16 से स्टार्ट, तो इन दोनों के दरमियान में गैप है, इस वजह से 24 पिन्स नहीं है, 23 पिन्स। और पल्सेस ऑन इनपुट पिंस मस्ट बी स्लोअर देन द आईओ क्लॉक रेट, आपका जो अपना आईओ का जो क्लॉक रेट है उससे जो है वो स्लो होनी चाहिए, ऑब्वियसली तब जो है ना वो इनपुट लैग होगा। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं, दे कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ फॉलिंग और राइजिंग एज और अ लो लेवल, तीन फॉलिंग एज, राइजिंग एज या लो लेवल। This is set up as indicated in the specification for the external interrupt control register. So, आप बार बार ये देखे होंगे कि इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, कोई याद नहीं रख सकता, नो वन कैन। जब कोई याद नहीं रख सकता तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम एक इंट्यूशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में जो भी काम हो रहा होगा उस काम को सेटअप करने के लिए और उस काम का स्टेटस चेक करने के लिए कुछ रजिस्टर हो। सो इफ यू आर गोइंग टू डू दैट वर्क तो आपने डेटा शीट खोल के देखना कि अच्छा कौन कौन से रजिस्टर है जो इसके अंदर इंपॉर्ट है, तो आप वो काम कर सकते। एंड देन लेट्स जस्ट से यू लैंड ऑन अ जॉब, चंद दिन पहले हमारे पास एक साहब आए हुए थे जो पाकिस्तान में चिप मैन्युफैक्चरिंग का डिजाइन का अभी तो वो काम कर रहे हैं, अकल सॉल्यूशंस के नाम से उनका सेटअप है और ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर की कोई यूएस की कोई कंपनी है एकियाना, उसके साथ मिलके काम कर रहे हैं, सो दे आर देयर डिजाइन हब और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। सो दे हैव हायर्ड 60 इंजीनियर्स, 60 इंजीनियर्स एक बड़ा नंबर होता है ना, यहाँ पे 5 लोगों की तनख्वाह पूरी करना एक मसला होता है, तो 60 इंजीनियर्स ऑब्वियसली। So this say कि मतलब उन्होंने हमें लेक्चर दिया रिस्क पाई प्रोसेसर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और ये और वो, सो हमारा पहले भी ये बड़ी बिलीफ था, अभी भी है, और मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ये कहा था कि दिस इज अ कोर्स दैट कैन लैंड योर जॉब। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट की अच्छी समझ है, डिजिटल डिजाइन की अच्छी समझ है, यू कैन लैंड अ जॉब। सो ही वाज सेइंग कि जी इस एरिया में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी और मतलब एटलीस्ट 500,000 जॉब्स जो है ना वो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करती है कि इसके एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड है नहीं अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान में नहीं है इतना ज्यादा काम डिजिटल डिजाइन में, लेकिन बाहर बहुत है। देखिए कंपटीशन का तो ये ना कि दुनिया की आबादी 7 बिलियन हो गई है, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जिसमें कॉम्पिटिशन ना हो। तो और मजा भी यही है कि जी अगर आपने अकेले ही रेस लगा के जीत जानी है, नहीं जहाँ फिर अब हमारी रेस ये जो है, मैं 14 मैं ऐसी चीजें पूछूंगा तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। देखिए ये जो है ना वो इल्म का जो सफर है ना, नॉलेज का जो सफर है, इसको प्रॉफिट और लॉस से जब आप अलहदा करते हैं ना तो यू स्टार्ट एंजॉयिंग। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम उस गरीब माशरे से ताल्लुक रखते हैं जहाँ हर चीज पेट से जो ना वो जुड़ी हुई है। क्वालिफिकेशन क्यों ले रही है, क्वालिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं कि यार जॉब में इंक्रीमेंट लग जाए। अच्छा अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, परस्पेक्टिव को थोड़ा सा चेंज कर दे, चेंज ये कर ले कि यार MSc इसलिए कर रहे हैं कि सीखना है, इंक्रीमेंट तो लग ही जाएगा, वो तो एक आउटकम है ही। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि यार बस किसी तरह से ना मेरा इंक्रीमेंट लग गए, तो अगर आपका बॉस आपको बुला के कह दे यार छोड़ MSc टाइम वेस्ट हो रहा है तेरा, मुझे तेरे दफ्तर में ज्यादा जरूरत है, तो 10,000 का इंक्रीमेंट चाहिए तेरा, तो 10,000 का इंक्रीमेंट वैसे ले ले,
आप छोड़ देंगे क्योंकि आपका एम पढ़ना था ही नहीं, इल्म हासिल करना था ही नहीं, तो यू लीव इट एंड 5-6 इयर्स लेटर फिर आप कहेंगे यार ऐसे कर ही देता तो ठीक था। नॉलेज इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जब करता है, इस दुनिया को समझने के लिए जब वो करता है, आप ये अंदाजा लगाएं कि दुनिया में जो ना वो आज तक एस्टिमेटेड है कि आज तक कितने इंसान जो ना वो आए हो, इट इज एस्टिमेटेड कि आज तक दुनिया में ऑलमोस्ट 100 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स आए होंगे। और जब डीएनए के स्ट्रक्चर को, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट डीएनए, तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उससे जब निकाला जाता है कि जी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, टोटल नंबर ऑफ ह्यूमंस दैट कुड हैव एग्जिस्टेड, वो कितने हैं, तो वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब आप सोचे कि आप इतने सारे जो है ना वो अल्लाह ताला की पॉसिबल इंसानों में से आप एक इंसान है, फिर वो इंसान जो पैदा हो गए हैं उनमें वो इंसान जिसको कि अल्लाह ने कोई डिसेबिलिटी नहीं दी, वो इंसान जिसके वालदैन को अल्लाह ने ये शऊर दिया कि इसको तालीम दिलवानी है, वो इंसान जो कि माशरे में एक मुनासिब सा मकाम भी रखता है, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि माशरे में बहुत मसाइल है, लेकिन शुक्र करने के लिए तो ये चीज। जब आप ये सोचते हैं तो आपका दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता। ये बात जो ना वो आपने वो मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स का जो व्हाट इज द फाइनल मैसेज, तो फाइनल मैसेज इज के जी जना वो कामयाब मत बनो, काबिल बनो, कामयाबी साली पीछे झक मारती फिरेगी, ये उसका डायलॉग। इफ यू आर स्किलफुल, अगर आपको काम आता है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आप देखें कि जना वो दुनिया आपको कहीं ना कहीं पे रिकग्निशन दे देगी, बहुत पीछे आएगी, ठीक है, आपको जॉब्स मिलेंगी, आपका अपना बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा। इसमें यस हम एज अ मुस्लिम किस्मत का फैक्टर रूल आउट नहीं करते, लेकिन इन जनरल आप देखें कि इन जनरल किन लोगों ने तरक्की की है, उन्हीं लोगों ने तरक्की किया ना जिन्होंने के जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने दिमाग लगाया, और इन जनरल जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इल्म के पीछे जो ना कुछ दौड़ लगाई। मतलब यूएस पूरी दुनिया पे कैसे डोमिनेट करता है, पूरी दुनिया भी डोमिनेट करता है, एक मुल्क उसकी आबादी जो है ना वो पूरी दुनिया के मुल्कों से ज्यादा नहीं है। सो समबडी वाज सेइंग के दुनिया में अगर सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज देखे जाए तो किसके पास होते हैं, रशिया के पास सबसे बड़ा एरिया है, नेम एनीथिंग इट हैज इट, गैस, ऑयल, रिच लैंड, डायमंड्स, गोल्ड, ठीक है जी, मिनरल्स, एवरीथिंग, इट हैज एवरीथिंग, बट इट इज नॉट द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? वजह ये है कि जहां पे ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो ग्रूम किया जाता है और अच्छे सिस्टम्स बनाए जाते हैं, वो माशरे जो है वो ग्रो करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, व्हेन एक्सटर्नल इंटरप्शन इनेबल्ड एंड आर कॉन्फिगर्ड एज लेवल ट्रिगर, कि आप उसको एज, देखिए ये फर्क आप जरूर समझ लें कि एक तरीका ये है कि जी ज्यादा हम इसको कहते हैं कि ये जना वो माइक्रो कंट्रोलर है, ये इसकी पेन है, इसके ऊपर ना कंटिन्यूसली हाई चल रहा है, और हम कहते हैं जैसे ही ये लो आए, ठीक है, फॉलिंग एज, तो तुम जना वो इंटरप्ट फायर कर दो, तो ये है फॉलिंग एज। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये लो चल रहा है और मैं कहता हूं जैसे ही ये राइजिंग एज आए इंटरप्ट फायर कर दो। तीसरा तरीका ये है कि मैं कहता हूं कि यार लेवल पे चलेंगे कि जी हाई लेवल चल रहा है और अब ये एज वाली बात नहीं है, ये जो लेवल है ना पूरा, ये फॉर सफिशिएंट टाइम जो है ना वो नीचे रहना चाहिए ताकि मैं इसको रीड कर सकूं, मैं इस पूरे लेवल को जो है ना वो देख रहा हूं, मैं सिर्फ इस फॉलिंग एज को नहीं देख रहा। क्यों? इसमें नुकसान ये, फर्क ये है कि जब एज आप देख रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि यार मुझे हाई से लो ट्रांजिशन मुझे नजर आए, अगर ये वैसे ही कंटिन्यूअसली लो चल रहा है, फॉर सम रीजन को गलती हो गई है, तो ये इसको फिर
एज एन इंटरप्ट ट्रीट नहीं करेगा क्योंकि उसको वो ट्रांजिशन नजर नहीं आएगी. सो दैट इज वाई फॉलिंग और राइजिंग एज जो है दैट इज अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर. जबकि लो लेवल का मतलब ये है कि बस लो लेवल किसी भी टाइम पे वो देखता है वो कहेगा कि अच्छा यार आई हैव टू जनरेट इनकम. तो लो लेवल इंटरप्ट ऑन इंटरप्ट इज डिटेक्टेड एसिंक्रोनसली. ठीक है जी. दिस इंप्लाइज दैट द इंटरप्ट कैन बी यूज्ड फॉर वेकिंग द पार्ट ऑल्सो फ्रॉम स्लीप मोड अदर देन द आइडल. तो ये जो ना वो इसको इंटरप्ट को जो है वो इसको स्लीप मोड से वेकअप करने के लिए भी यूज की जा सकती है. ये है जी इसके रजिस्टर्स. एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर जिस तरह मैंने कहा था. तो इसके अंदर ये चार पिन्स है. ठीक है जी. ये चार पिन्स में से जो है वो ये दो यूज होती हैं इंटरप्ट जीरो के लिए, ये दो यूज होती हैं इंटरप्ट वन के लिए. और यूज एक ही तरह से. ठीक है जी. कैसे के जी अब आप इसके अंदर आप जो है वो आके देखें कि ये पिन्स हैं इसकी. इनकी कौन सी है जी? इंटरप्ट सेंस कंट्रोल, इंटरप्ट सेंस कंट्रोल जीरो जीरो. पहला जीरो का मतलब कि ये इंटरप्ट जीरो जना उसकी पिन नंबर बिट जीरो. और फिर इंटरप्ट सेंस कंट्रोल के इंटरप्ट जीरो और उसकी इंटरप्ट सेंस कंट्रोल पिन नंबर वन. तो अगर आप इसको देखें तो जीरो जीरो का मतलब ये है कि लो लेवल इंटरप्ट वन जनरेशन इंटरप्ट. ये चार चार बिट्स का होने ये बता रहा है कि ये बता रहा है कि जी आपने कौन सी जो है ना वो टाइप के इवेंट के ऊपर इंटरप्ट जनरेट करनी है. ये लो लेवल के ऊपर करनी है. दो बिट्स इंटरप्ट जीरो के मोड को कंट्रोल कर रही है, दो बिट्स इंटरप्ट वन को कंट्रोल कर रही है. आप जिसको यूज करेंगे वो वाली इंटरप्ट जो है ना आपकी यूज हो. अच्छा, जीरो वन एनी लॉजिकल चेंज. जीरो से वन हो जाए, वन से जीरो हो जाए, हो जाएगा. वन जीरो फॉलिंग एज, फॉलिंग एज के ऊपर काम करेगा. यूजली हम फॉलिंग एज यूज करते हैं. वन वन राइजिंग एज. ठीक है जी. तो एक्सटर्नल इंटरप्ट वन इज एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन इंटरप्ट वन इफ द स्टेटस रजिस्टर इंटरप्ट फ्लैग एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरप्ट मैप. अभी आगे भी चलते. ठीक है. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इंटरप्ट का मोड कैसे सेट. अब है एक्सटर्नल इंटरप्ट मास्क रजिस्टर. ये क्या करता है कि ये इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल करता है. इसके अंदर दो पिन है, जीरो और वन. अगर जिस पिन को आप वन या ना जिस पे वन राइट कर देंगे वो वाली इनेबल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ना वो पिन नंबर जीरो को करना है तो मैं यहाँ पे वन लिख लूंगा. जब मैं यहाँ पे वन लिख दूंगा ये मेरी इंटरप्ट इनेबल होगी. और सपोज यहाँ पे मैं जो है वो वन वन लिखाता हूं तो इसका मतलब है कि ये राइजिंग एज के ऊपर. सो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मेरी कब होगी? जब मैं ग्लोबल इंटरप्ट भी इनेबल करूंगा, जब मैं इंटरप्ट मास्क रजिस्टर में जाके उसकी जो है वो वाली इंटरप्ट को इनेबल करूंगा, और मैं यहाँ पे जो है इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर जो है इसके अंदर इसको डिफाइन करूंगा. अच्छा, इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर में अगर मैं ना भी डिफाइन करूंगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो जीरो चल रही. अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यू बल्कि ना यू विल हैव टू सी, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई होती है कि जो ना ऑन रीसेट क्या वैल्यू होती है. आई एम नॉट श्योर कि वो जीरो जीरो होती है, क्योंकि जब भी आप रीसेट करते हैं ना डिवाइस को तो वो तमाम रजिस्टर्स को एक नोन स्टेट के अंदर ले आता है. वो नोन स्टेट इसकी रीसेट का ना एक पूरा अपेंडिक्स है इसकी डेटा शीट के अंदर, जिसमें गिवन होता है कि कौन सा रजिस्टर कौन सी वैल्यूज पे सेट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर. तो इंटरप्ट फ्लैग बिट इज सेट व्हेन अ चेंज ट्रिगर्स एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट. फ्लैग इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द इंटरप्ट रूटीन इज एग्जीक्यूटेड. सो फ्लैग इस मकसद के लिए है कि जी आप कुछ और कर रहे थे, मीनवाइल ये इंटरप्ट हुई. ठीक है जी. तो अब आपने ये स्टोर करना है कि भाई इंटरप्ट जो ना वो कहीं पे हुई थी, ताकि जब दोबारा इंटरप्ट इनेबल होती है मेरे पास, ग्लोबल इंटरप्ट इनेबल होती है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकूं, वरना तो ये इवेंट लॉस हो जाए. ठीक है. अच्छा, फ्लैग कैन बी क्लियर्ड बाय राइटिंग वन टू इट. इसको फ्लैग को अगर आप इसके ऊपर वन लिखेंगे तो वो इसको क्लियर कर देते, यानी जीरो कर देते. अब आ जाते हैं हम पिन चेंज इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर्स, वो क्या करते. तो हमने देखा था कि उसमें 23 पिन है जो कि जो ये काम करती है.
तो वहां पे आप ये देखें कि सबसे पहले पिन चेंज इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर है, जिसके अंदर तीन पिन है, ठीक है जी, कौन सी, PCIe 0, 1, 2। सो अगर आप PCIe 0 को जना वो कर देते हैं तो ये पीसी इंटरप्ट जना वो 0 to 7 पिन जो है इसको इनेबल कर देते, यानी ये 8 की 8 पिन पे इंटरप्ट इनेबल हो जाती है। फर्क वहां भी देखे, वहां भी क्या था, एक पिन पे होती थी, यहाँ पे 8 की 8 पिन पे, ठीक है। सो ऑन द सो बाकी आप चेहरा देख सकते। उसके बाद पिन चेंज इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर, ये वही काम करता है जो कि जना वो आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर करता है, कि जैसे ही इंटरप्ट हो ये वाला इवेंट हो उसको अपने पास लैच कर ले, ठीक है, स्टोर कर ले कि ये इंटरप्ट हुआ है। सो यहाँ पे अगेन IF0, IF1, IF2, सो ये IF0 और IF1 ये IE0 वगैरह से रिलेटेड। जीरो का मतलब है कि पूरी जो पोर्ट है उसमें से किसी भी पिन के ऊपर वो इवेंट होगा तो वो ये फ्लैग रेज करता है। पिन चेंज मास्क रजिस्टर, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है कि ईच बिट कंट्रोल वेदर इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पिन। अब आपने क्या किया, पहले तो ये क्या इसका, ठीक है, पहले तो आपने वो पूरी की पूरी पोर्ट इनेबल की, यहां पे आके आपने जना वो क्या किया कि उसका फ्लैग को लॉक भी कर लिया। इस जगह के ऊपर विद इन दैट पोर्ट आप कौन कौन सी बिट को, कौन कौन सी पिन के ऊपर जना वो इंटरप्ट इनेबल करना चाहते हैं वो यहां पे सिलेक्ट कर सकते। तो अगर आप लेट्स से कि जी ये करते, ये इस तरह के भी जना तीन रजिस्टर है, PC Mask 0, 1, 2, यहां पे सिर्फ 2 दिखाया हुआ है। सो अगर आप इसको जना वो इनेबल कर देते हैं तो ये उस वाली पोर्ट की, ठीक है जी, सिर्फ बिट नंबर 0, पिन नंबर 0 के ऊपर जना वो पूरे। अब तो आप इनमें से मल्टीपल पिन्स को साइमल्टेनियसली इनेबल कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल पिन्स को साइमल्टेनियसली इनेबल कर देंगे तो होगा क्या कि उनमें से किसी के ऊपर भी वो इवेंट होगा तो वो उसकी वजह से आपके पास जो इंटरप्ट फायर हो जाए। फिर आपको पहले जाके खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पिन के ऊपर जो है वो इंटरप्ट हुई और फिर आप आगे काम कर सकें। फर्क समझ आ रहा है एक्सटर्नल और इंटरप्ट का, काम वो उसी तरह से कर रही है। एक्सटर्नल इंटरप्ट में सिर्फ क्या है कि बिट वाइज चल रही है, इसमें क्या है पूरी पोर्ट जो है वो इनेबल या डिसेबल होती है, ठीक है, पूरी पोर्ट के लिए एक ही वो फ्लैग है वो लॉक जो है वो ऑन या ऑफ हो जाता है, और उसके बाद विद इन दैट पोर्ट आप जो है वो मल्टीपल जो है वो पिंस के ऊपर इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल कर सकते। टाइमिंग जो है ना वो इसकी किस तरह से है, अगर हम थोड़ा सा इसको जो है वो देखने की कोशिश करें, तो ये देखिए कि ये आपकी लैब से जो है वो क्लॉक चल रही है, ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये पीसी इंटरप्ट 0, ठीक है जी। अब इसको देख के है कि जी ये कौन सी चीज है पीसी इंटरप्ट 0, तो पीसी इंटरप्ट 0 जो है वो आपकी ये वाली है, इसको आपने इनेबल कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, पिन लैच, ठीक है जी, पिन लैच कहाँ पे है जी, आपका यहाँ पे ये देखिए ये सिग्नल है, ठीक है, ये जो है ना वो इसकी जो कंडीशन है वो लैच होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, पिन सिंक, पिन सिंक कौन सा सिग्नल है ये बता। तो पिन सिंक जब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आया, क्योंकि जब ये क्लॉक आ रही थी उस टाइम तक इसकी वैल्यू थी 0, अब जब नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आया यहाँ पे तो इसने जब इसको सैंपल किया तो ये 1 हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये 1 है अब, ठीक है जी, और ऊपर वाला जो है ना वो 0 चल रहा है, तो इसकी वजह से इसकी जो आउटपुट है ये XOR गेट है, दोनों में से एक 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाती है ये 1, ठीक है जी। अब आपने पीसी इंटरप्ट 0 को पीसी मास्क रजिस्टर के अंदर भी चूंकि 1 किया हुआ, तो ये पीसी जो वो इंटरप्ट इनपुट 0 वाली पिन जो है ये 1, ठीक है जी। सो अब आप ये देखें कि यहां से आपका पीसी इंटरप्ट इनपुट पिन 0 ये यहां पे आके 1 हुई और इधर आके जो वो 0, ठीक है जी। जहां पे ये देखें, ये पिन सिंक आपका यहां पे 1 होता है, ठीक है जी, दिस इज योर पिन सिंक, ये 1 हुआ,
और इस पॉइंट के ऊपर दूसरी इसको इनपुट कौन सी आ रही है, ये पीसी इंटरप्ट जीरो, ये दोनों भी बंद हो गई। जब दोनों बंद होती है तो इसकी आउटपुट जीरो हो जाती है, इसलिए इस पॉइंट पे इसकी इनपुट आउटपुट जीरो। ठीक है, ये टाइमिंग आपने इसलिए लिखनी है कि मतलब आई कुड लेट से गिव यू दिस इन पेपर और मैं कह सकता हूँ कि जी मुझे बताएं कि ये सिग्नल जो है इनकी टाइमिंग डायग्राम बना, बनाए। तो टाइमिंग डायग्राम बनाने का मकसद यही होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मुश्किल फील हो तो आप मुझसे जब पूछ सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है। आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या है कि इनपुट सिग्नल्स और हर एक का आउटपुट सिग्नल दिया। तो पहले तो क्लॉक है, क्लॉक आपने बना दी। अच्छा, अब आपने क्या किया कि ये है पीसी इंटरप्ट जीरो, कि इसको आपने कहा कि जी जना वो इनेबल कर दो, ये वर्क कर दो। पहले क्लॉक बनती है फिर उस हिसाब से। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जी ये जब राइजिंग एज आया तो उस टाइम के ऊपर कुछ नहीं था, इस पॉइंट के ऊपर जाके ना पीसी इंटरप्ट जीरो जो है ना आपने वन किया, ओके वन कर दिया। अब ये क्या है, ये क्या चीज है जी, ये जो है ना वो एक गलत लैच है। ठीक है जी। अच्छा, लैच जो है वो क्या करती है कि इमीडिएटली आउटपुट को, क्योंकि ये एच ट्रिगर डिवाइस नहीं होता, ये लेवल ट्रिगर डिवाइस होता है, तो जैसे ही पीसी इंटरप्ट जीरो को आपने जो है वो किया तो इसने जो है वो उसको स्टोर कर लिया वैल्यू। तो अब आपके पास ये वैल्यू स्टोर हो गई कि आपका जो जो पिन चेंज इंटरप्ट जीरो है, जीरोथ पोर्ट है, उसके ऊपर आपने पिन चेंज इंटरप्ट इनेबल कर दिया। तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि जरा वो पिन चेंज इंटरप्ट जीरो इनेबल हो चुकी है। ओके, अच्छा, उसी को अब ये आपका एक डी टाइप का रजिस्टर, लैच के आगे ये एक डी टाइप का रजिस्टर है। होगा क्या कि इसकी जो आउटपुट है विच इज कॉल्ड पिन सिंक, ये जो है वो तो कौन सा डिवाइस है, ये एज ट्रिगर डिवाइस है कि जब क्लॉक के एज आएगा तो उस टाइम के ऊपर सैंपल करता है कि इनपुट क्या है। सो देखें कि जब ये वाला क्लॉक का इनपुट सैंपल आया उस टाइम के ऊपर ये जीरो था। ठीक है, जब ये वाला क्लॉक क्लॉक का जो है वो राइजिंग एज आया तो इसके ऊपर आप इसने आके देखा कि यार ये लैच जो है ये वन हुआ, तो इसने क्या किया विद अ स्लाइट डिले, जो उसका प्रोसेसिंग डिले है, उसने इस सिग्नल को वन कर दिया। तो अब ये सिग्नल आपका जो है ना वो वन हो चुका है। तो ये आपका फर्स्ट क्लॉक साइकिल था, ये सेकंड क्लॉक साइकिल। अच्छा, यहाँ पे XOR गेट है। अच्छा, पीसी इंटरप्ट जीरो को आपने जब वन किया था तो इतने पोर्शन के लिए ये वन था और ये जो सिंक वाला पोर्शन था इतने पोर्शन के लिए ये जीरो था। तो इस XOR की जो आउटपुट है इस पोर्शन के लिए वो वन थी, तो इतने पोर्शन के लिए ये आउटपुट, ये जो पीसी इंटरप्ट इन जीरो है, ये सिग्नल जो ना वो ये वाला सिग्नल, इनफैक्ट मैं इसको दोबारा ये कर देता हूं, ये वाला सिग्नल, ये सिग्नल जो है ये आपका क्या हो गया, वन हो गया। अच्छा, ये क्या है, पीसी इंटरप्ट इन पीसी जो ना पीसीएम मास्क। सो पिन चेंज मास्क में भी आपने ऑलरेडी बताया हुआ होगा कि जी मेरी इन पिन को एनेबल कर दो, तो वो भी वन होगा, उसकी वजह से एक पीछे से वन आ रहा है, ये भी वन आ रहा है। सो क्या होगा कि ये पीसी इंटरप्ट जीरो वही जना वो आउटपुट फॉलो करेगा जो इस XOR की आउटपुट होगी। तो ये क्या हो गया, ये भी जना वो वन हो गया। अच्छा, और लेकिन वन कितनी देर के लिए रहा, इतनी देर के लिए, क्यों, क्योंकि उसके बाद जब दोनों वन वन हुए तो वो XOR का जो आउटपुट है वो जीरो हो गया, तो ये यू चला गया। अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहां से, अब ये देखिए ये OR गेट है, जीरो टू एक्स, ये क्या कह रहा है कि पिन नंबर जीरो से लेके कोई भी पिन जो आपने इनेबल की हुई है उनमें से किसी का भी अगर ये चीज इनेबल हो जाता है तो वो ये आगे इस रजिस्टर को भेजते। तो इस पॉइंट के ऊपर जना वो जब आपका वो आपका जना वो क्लॉक आई, उसने आके सैंपल किया इस और गेट की आउटपुट को, तो वहां पे इसको ये जना वो वन नजर आया। जब ये वन नजर आया तो इसने इसको क्या किया, जना वो सिंक्रोनाइजेशन जो वाली जो पिन है इसको ऑन कर दिया। ठीक है जी, हाई कर दिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पीसी इंटरप्ट सेट फ्लैग, उससे अगले क्लॉक साइकिल में इसका फ्लैग सेट हो। ठीक है जी, इसका फ्लैग सेट हो गया और उसके बाद आपका जो है वो पीसी इंटरप्ट का
ये वाला जो ये सिग्नल है इससे जाके नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में फाइनली ये इंटरप्ट फ्लैग है, ये ठीक है जी, ये इंटरप्ट फ्लैग है। तो इसने फाइनली पिन चेंज इंटरप्ट फ्लैग को जो है ना वो हाई कर दिया कि जी पिन चेंज इंटरप्ट कॉज हुई है, ठीक है। सो ये कंप्लीट सिग्नल कहां से कहां तक जा रहा है कि जी आपका जहां पे पिन के ऊपर जो है वो सिग्नल आया वहां से लेके और अल्टीमेटली जो है वो पिन चेंज इंटरप्ट फ्लैग के एनेबल होने तक कि जी उसने रजिस्टर कर लिया कि मेरे पास इंटरप्ट हुई है, ये कंप्लीट टाइमिंग डायग्राम उसको शो कर। अच्छा अब इसको ना सी में प्रोग्राम करना इज नॉट डिफिकल्ट, मैं अभी आपको ये क्विकली हम देखते हैं क्या फंक्शन है जी अटैच इंटरप्ट, जिसमें आप बताते हैं कि जी कौन सी इंटरप्ट होगी, फंक्शन इसका आईएसआर कौन सा होगा और किस मोड में इसको यूज करना, ठीक है जी। इंटरप्ट या ना वो आप फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए कर रहे हैं तो इंटरप्ट जीरो या वन होगी, फंक्शन का नाम आप खुद रखेंगे जो भी रखना चाहते, ठीक है। यूजुअली आईएसआर अंडरस्कोर करके रखा जाता है ताकि बताओ कि ये इंटरप्ट सर्विस होती है। मोड क्या है, लो चेंज राइजिंग या फॉलिंग। अच्छा अब ये चीजें जो है ना ये चीजें आर्डुइनो की स्पेसिफिक है, इसीलिए देखें ऊपर लिखा हुआ है आर्डुइनो लैंग्वेज सपोर्ट फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट। ये फॉलिंग राइजिंग को माइक्रो कंट्रोलर नहीं समझता, ये जब कंपाइलर चलेगा तो वो इस फॉलिंग और राइजिंग का को इंटरप्रेट करेगा इनटू असेंबली, असेंबली से बनेगी मशीन लैंग्वेज और वो जाके कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स को सेट करेगी। जिस तरह हमने कहा था कि राइजिंग एज के लिए वन वन होगा तो वो उस वाले रजिस्टर में जाके वन वन जो है वो राइट करे, ठीक है। डिटैच इंटरप्ट कि अगर आपने इंटरप्ट को वो खत्म कर देना है, ठीक है जी, और उसके बाद इनेबल इंटरप्ट के लिए एससीआई, ठीक है, और या सी का फंक्शन ये जो आर्डुइनो का फंक्शन इंटरप्ट और नो इंटरप्ट अगर आपने इंटरप्ट डिसेबल कर, ठीक है जी। अच्छा तो हाउ टू यूज इंटरप्ट, एक सैंपल प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है जी। सैंपल प्रोग्राम क्या है कि आपने जना वो क्या करना है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट को डिजिटल पिन 2 के ऊपर रिसीव करना है और इंटरप्ट को टॉगल करना है, ठीक है जी। इंटरप्ट से क्या करना है कि एक एलईडी है जो कि पिन 13 पे लगी हुई होगी और उसको टॉगल कर कि जब भी इंटरप्ट आए तो अगर वो पहले ऑन थी तो उसको ऑफ कर देना, अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर, ठीक है जी। अच्छा तो और इस चीज को यूं किया जा सकता है कि मैं इंटरप्ट के ऊपर एक क्लॉक सिग्नल दे दूं 1 सेकंड का, तो वो 1 सेकंड के लिए ऑन 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाया करेगी, ठीक है। ओके सो स्टेप्स क्या होते हैं, सेलेक्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट पिन, तो इस केस में उसने बता दिया डिजिटल पिन 2 यूज करें तो पोर्ट डी की पिन नंबर 2 अब यूज करेंगे विच इज इंटरप्ट 0। सेटअप फंक्शन, सेटअप फंक्शन में क्या करते हैं कि आपने जो है वो पिन के मोड को सेट करना होता है कि जी वो इनपुट है आउटपुट है क्या। तो इस केस में जो कि एलईडी को हमें ड्राइव करना है तो हम पिन नंबर 13 को एज आउटपुट सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद इंटरप्ट फंक्शन जो है ना वो हमने करना है अटैच इंटरप्ट, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्या है जी, वॉइड सेटअप पिन मोड 13 आउटपुट, तो पिन नंबर 13 को एज आउटपुट सेट कर। दूसरे अटैच इंटरप्ट 0 ब्लिंक और फॉलिंग एज, ठीक है जी। ब्लिंक क्या चीज है, ब्लिंक उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का नाम। उसके बाद वॉइड लूप, लूप इसका नॉर्मल फंक्शन है जो कि जना प्रोग्राम को चलाता रहता है, ठीक है जी। और उसके बाद ब्लिंक है, ब्लिंक क्या कर रहा है, डिजिटल राइट 13 इनवर्स ऑफ डिजिटल रीड, रीड करो 13 पे क्या है, यानी जब आपकी पिन आउटपुट मोड में होती है तो आप रीड कर सकते हैं कि उसके ऊपर आपने क्या लिखवाया हुआ पहले से, क्योंकि उसके पीछे भी एक रजिस्टर होता है तो आप उस रजिस्टर को रीड कर लेते। तो क्या करो, जो कुछ पहले था उसका इनवर्स कर। अगर आप पूरा प्रोग्राम लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, कॉन्स्ट बाइट एलईडी पिन 13, कॉन्स्ट बाइट इंटरप्ट पिन 2, पिन को डिफाइन कर दिया,
ठीक है जी, बाइट स्टेट लो, सेटअप किया पिन बोर्ड को, एलईडी पिन को आउटपुट, पिन बोर्ड इंटरप्ट पिन को इनपुट विद पुलअप, ठीक है जी, अटैच इंटरप्ट किया, डिजिटल पिन इंटरप्ट, डिजिटल पिन टू इंटरप्ट, ठीक है जी, इंटरप्ट पिन आपने जाना वो कर दिया, ब्लिंक का और चेंज क्या कीजिए, चेंज मोड में चले जाओ, और आगे आपने लूप का फंक्शन लिखा और फिर ब्लैंक के ब्लिंक जो है उसके अंदर आपने स्टेट को कहा के स्टेट को इन्वर्स कर, ठीक है जी। सो वो जो जब भी ब्लिंक का फंक्शन कॉल होगा तो वो क्या करेगा कि वो उसको जो है वो चेंज कर देगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरप्ट, और आई एम गोइंग टू गिव यू एन असाइनमेंट जो कि इससे रिलेटेड होगी, इंटरप्ट से रिलेटेड, ठीक है जी, और उसमें यू विल हैव टू राइट अ प्रोग्राम फंक्शन, ठीक है, और वो प्रोग्राम जो है इंटरप्ट्स को यूज करेगा मुख्तलिफ टाइप की, लेट्स से कि इंटरप्ट को यूज करेगा, इंटरप्ट एक्सटर्नल इंटरप्ट भी और पिन चेंज इंटरप्ट को भी यूज करेगा, और इसकी आप जो है ना वो मुझे सिमुलेशन जो है वो सबमिट करेंगे इन प्रोटीएस। सो कोड प्लस सिमुलेशन, देखें ये कोशिश करें खुद लिखने की, इंटरनेट पे इसकी ट्रेमेंडस हेल्प अवेलेबल, खुद नहीं लिखनी है किसी से कॉपी कर लेंगे तो ऑब्वियसली इट इज हार्ड फॉर मी टू डिटेक्ट, आप सिर्फ जो ना वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दें तो मैं जो ना वो कोई ऐसा मखलूक तो नहीं हूं कि चेक कर सकूं कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।